ट्रेडर्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग यहां पे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एक ऐसा सेटअप है जो हमारे टीम ने आइडेंटिफाई किया था। काफी दिनों से हम लोग इस पे बैक टेस्ट कर रहे थे और उसका जो रिजल्ट आ रहा है लगभग 70-80% तक आ रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जब तक मैं खुद किसी सेटअप को या स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट नहीं करता तब तक मैं उसे हमारे चैनल पर पोस्ट नहीं करता। तो आज मुझे यहाँ पे मौका मिला है इस सेटअप को जो है हमारे चैनल पर पोस्ट करने के लिए। तो इस सेटअप में आपको मैं बताऊंगा कैसे आपको ट्रेड करना है, किस दिन आपको ट्रेडिंग करनी है, किस दिन आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इस सेटअप को लेके वो मैं आपको आज अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पे आप देख सकते हो हमने काफी ऐसे लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस आपके लिए जो है यहां पे पोस्ट किए हैं और हमारा इंस्टाग्राम चैनल आप यहां पे देख सकते हो, हमने इसकी जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उससे आप जो है हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए हम लोग जाएंगे धन के प्लेटफॉर्म पे जहां पे मैं आज का जो सेटअप है वो आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम लोग अभी यहां पे आ चुके हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो यहां पे देखिए चार्ट तो काफी नॉर्मल है, हमने यहाँ पे दो इंडिकेटर इस्तेमाल की है, एक जो है वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और दूसरा जो इंडिकेटर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल पे आपका जो सेटअप बन गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग पोजिशन बनाएंगे, आपका जो स्टॉप लॉस होने वाला है और रिसेंट स्विंग लो होने वाला है, ठीक है। ये स्विंग लो हो गया, आपको पहले क्या करना है 1:2 का टारगेट लेना है, ठीक है। 1:2 का टारगेट यहाँ पे हो गया है, आपको मिल चुके हैं लगभग यहाँ पे 1:5 का भी टारगेट आपको मिल गया है। इंट्राडे की बात करो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, इंट्राडे की। काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं कि हमें 50-60-80 पॉइंट्स जो है बस हो जाते हैं, ठीक है, उनके लिए ये सेटअप नहीं है। जो यहाँ पे लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं, मतलब देखिए कभी कभी आपको लगता है कि 80-90 पॉइंट्स आसानी से मिल जाते हैं, कभी कभी बैंक निफ्टी आपको जो है एक लॉट में 150-200-250-300 पॉइंट्स भी दे देता है। ऐसे दिन ये सेटअप जो है आपको अच्छे पॉइंट्स कमा के देता है। नॉर्मली तो आपको 80-90-100 पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे, जैसे कि हम लोग लाइव मार्केट में लाइव ट्रेडिंग करते हैं 80-90-90 पॉइंट्स ये जो है हमको आसान से मिलते हैं। लेकिन ये जो सेटअप है वो आपको 100 पॉइंट से ज़्यादा भी देगा, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका मिनिमम आने वाला है 30-40, मैक्सिमम 50 पॉइंट का आ जाएगा, ठीक है। लेकिन टारगेट आपको जो होने वाला है 1:2 होने वाला है, कभी कभी 1:3 मिलता है, 4 मिलता है, इस केस में आपको मिला है 1:5। मतलब पॉइंट्स अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो देखिए यहाँ पर पोजिशन होने के बाद मार्केट जो है लगभग 550 पॉइंट्स ऊपर चला गया है। अगर 550 पॉइंट्स ऊपर चला गया है तो जो इन द मनी वाला जो भी होगा वो आपको कम से कम 300-350 पॉइंट्स कमा के देगा। अगर आपको झूठ लग रहा है तो खुद जाके आप बैक टेस्ट कीजिए, मैंने खुद बैक टेस्ट किए हैं इसीलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये मूविंग एवरेज कौन से है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा एक दो सेटअप भी आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप क्विक इन क्विक आउट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि ये रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल या ये रेड कैंडल, इसका जैसा लो ब्रेक होता है आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। आपका स्टॉप लॉस होने वाला रिसेंट स्विंग हाई और आपको यहाँ पे टारगेट कितना मिला है, लगभग मिला है 1:1.5 का, ठीक है। अगर टारगेट देखेंगे पॉइंट्स में तो यहाँ पे देखिए मूवमेंट आई है लगभग 110 पॉइंट की, तो आपको आराम से यहाँ पे 60-70 पॉइंट जो है यहाँ पे ऑप्शन प्राइस में मतलब इन द मनी वाले मिल जाएंगे। कभी कभी आपको 60-70-80 पॉइंट भी मिलता रहे, अगर लॉन्ग लैरी होगी तो आपको यहाँ पे 100-150-200-250-300 पॉइंट भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रॉन्ग रैली है, ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस रेड कैंडल पे या इस रेड कैंडल पे रॉन्ग रैली है, रिसेंट स्विंग हाई आपका स्टॉप लॉस है, टारगेट देखिए 1:3 का, मतलब पॉइंट्स अगर आप लोग देखेंगे यहाँ से कितने पॉइंट्स आ गए हैं, सॉरी मैंने यहाँ पर जूम कर दिया, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम को निकाल देता हूँ। पॉइंट देखेंगे हम लोग यहाँ से, ये देखिए कितने पॉइंट्स मिले हैं, 280 पॉइंट्स, मतलब 125-150 पॉइंट्स आपको पुट ऑप्शन में मिल जाते हैं, ठीक है। अभी आप लोग यहाँ पे सोचते रहेंगे कि सेटअप क्या है, ठीक है। सेटअप के लिए मैं आपको और एक इंडिकेटर बताऊंगा, ये जो इंडिकेटर है ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, क्या है, कौन सी अमाउंट है, अभी देखिए मैं आपको बताऊँगा। एक है ये जो ग्रीन वाला है, ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है, वो है 9 का, ठीक है, ये जो ग्रीन है वो है 9 का, और ये जो रेड है ये है 44 का, ठीक है। EMA हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे EMA, ठीक है, ये देखिए मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल आपको दो लगाने हैं, ग्रीन वाला है 9 का और रेड वाला है 44 का, ठीक है, ये हो गई मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। दूसरा जो इंडिकेटर है मैं अभी आपको सामने एक्सप्लेन करता हूँ, वो है पिवट पॉइंट स्ट्रैंडर्ड, ठीक है। इसकी सेटिंग हम लोग यहाँ पे थोड़ी टाइम में बात जो है देख लेंगे, सेटिंग में आपको बाद में क्यों बता रहा हूँ, देखिए काफ़ी लोग जो है सेटिंग देख के चले जाते हैं, ठीक है, भाग जाते हैं, उनको लगता है कि हमें मिल गया है सेटअप, अभी हम लोग मंडे से शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं होता है,
सेटअप पहले देख लीजिए, सीख लीजिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सीखने मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, जो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है इसमें दो लेवल्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहले जो लेवल है वो है यहाँ पे R3 के लेवल, ठीक है। ये है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ये है R3 के लेवल। और सपोर्ट 3 जो आता है यहाँ पे, ये है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको अभी ट्रेड कैसे लेना है, आपको अभी दोनों इंडिकेटर मैंने बता दिए, एक पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है, लेकिन उसकी सेटिंग आपको मैं बाद में बताऊंगा, उसकी सेटिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो है EMAs है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक 9 का है, एक 44 का है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो लेटेस्ट जाएंगे, अभी मैं आपको लेटेस्ट मार्केट में लेके जाता हूँ, बैक टेस्ट का भी यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे जो है वीडियो पूरा देखते भी नहीं है, थोड़ा बहुत देख लेते हैं यहाँ पे वो निकल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिसेंटली देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस 3 है ये ब्रेक हो चुका है। आपको ऐसे मोमेंट में ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है, ऐसे मोमेंट में ट्रेड नहीं लेना है, आपको ट्रेड को अवॉइड करना है, ठीक है। आपको ट्रेड कब लेना है, जब ये दोनों मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल एवरेज काफ़ी नज़दीक आएंगे और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी, तभी आपको यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड लेनी है, ठीक है। ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेनी है। देखिए मूविंग एवरेज दोनों काफ़ी यहाँ पे जो है एक दूसरे से काफ़ी लंबे हैं, ठीक है, काफ़ी लंबे हैं, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना ही नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस 3 ब्रेक हो चुका है, मतलब मार्केट बुलिश ही है, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको ट्रेड कभी आइडेंटिफाई करना है जब दोनों मूविंग एवरेज लाइन जो है नज़दीक आ जाएगा और जब वहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे लिया बैंक निफ्टी ने, ये देखिए यहाँ पे 1:55 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया है, आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो या आप यहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हो, दोनों में से एक। लेकिन आपको देखना है कि ये जो ग्रीन लाइन है ये रेड लाइन के ऊपर चाहिए, अगर आप कॉल खरीदने वाले हो। अगर आपका व्यू बुलिश है तो आपको क्या चाहिए, पहली आपको ऊपर चाहिए ग्रीन लाइन, नीचे चाहिए रेड लाइन, ठीक है, तभी आप अपसाइड की मतलब कॉल साइड की ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ट्रेड लोगे यहाँ पे इस कैंडल पे, आपका स्टॉप लॉस जो आने वाला है रिसेंट स्विंग लो आने वाला है, और आपका टारगेट देखिए, टारगेट 1:2 का ही लेना है आपको, ठीक है। ये देखिए कितना हुआ है यहाँ पे, 1:2 का मिल गया, और देखिए यहाँ पे 1:2.3 का मिल गया। पॉइंट्स अगर देखेंगे यहाँ से, पॉइंट्स आपको मिल गया यहाँ पे लगभग 160 पॉइंट के आसपास, मतलब 100 पॉइंट या 120 पॉइंट्स आपको कॉल में मिल जाते हैं, 100 पॉइंट इन द मनी वाले कॉल में। अगर आपको नहीं लगा तो आप चेक कीजिए, ठीक है, ये सेटअप हो गया एक। और अभी हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब यहाँ पे जो है मार्केट जो है रेजिस्टेंस 3 के ऊपर रहेगा तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेंगे, जब तक दोनों मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल एवरेज एकदम नज़दीक नहीं आते या उसको सपोर्ट नहीं ले पा रहे तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट थी ये हमको कैप्चर ही नहीं करनी है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो मूवमेंट है ये आपको कैप्चर नहीं करती, हमें ऐसी सेटअप के बारे में जो है इंतज़ार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक दिन का ट्रेड हो गया, तो यहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड मिल गया है, ठीक है, एक ट्रेड आपका यहाँ पे हो गया। अभी एक दिन पीछे जाते हैं, ठीक है, काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होते हैं, देखिए रेजिस्टेंस 3 पे ऊपर चला गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, मार्केट को नीचे आने दीजिए, ठीक है, मार्केट को नीचे आने दीजिए, कहाँ तक, सपोर्ट 3 तक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सपोर्ट 3 तक मार्केट आ गया है, लेकिन अगर आप इस दिन ऐसे ट्रेड करोगे, ठीक है, कभी ना कभी तो आपका स्टॉप लॉस जाने वाला है। मार्केट अगर साइडवेज है या रेंज बाउंड है, ठीक है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये देखिए हर दिन आपको ये सेटअप प्रॉफिट करके देगा नहीं। मार्केट अगर ऐसा होगा तो ये स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट करके नहीं देगी, लेकिन आपका जो जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं करेगी कभी कभी, तो आपको कभी कभी कॉस्ट टू कॉस्ट या 10-20-30 पॉइंट का जो स्टॉप लॉस देके मार्केट से निकल जाना है। रेंज बाउंड मार्केट में काफ़ी कम स्ट्रैटेजी या सेटअप काम करते हैं, ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट में काफ़ी कम स्ट्रैटेजी और सेटअप काम करते हैं, तो यहाँ पे ये सेटअप काम नहीं करेगा रेंज बाउंड स्ट्रैटेजी में। आपको क्या चाहिए, एक मोमेंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसके एक दिन पहले के हम लोग आ चुके हैं, ये देखिए मार्केट ने जो है यहाँ पे सपोर्ट 3 के लेवल से सपोर्ट लिया है, ठीक, लिया है सपोर्ट 3 के लेवल से, ठीक है, ये देखिए। तो मतलब आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड लेना है, ठीक है। तो कॉल साइड की ट्रेड अगर हम लोग यहाँ पे लेंगे तो कहाँ पे लेंगे, हम लोग लेंगे इस ग्रीन कैंडल पे, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे नीचे ग्रीन कैंडल है, आप इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लोगे, कहीं पे भी आप ट्रेड ले सकते हो। आपको जो स्टॉप लॉस होने वाला है यहाँ पे काफ़ी, कभी कभी वो काफ़ी बड़ा आता है स्विंग लो, तो स्विंग लो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस मत रखिए, आप रखिए सपोर्ट 3 की जो लाइन है वो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। तो कहाँ कितना आ रहा है यहाँ पे, 120 पॉइंट, मतलब 60 पॉइंट का यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस आ रहा है, ठीक है, 60 पॉइंट का। आपको यहाँ पे टारगेट क्या लेना है, आपको यहाँ पे टारगेट लेना है 1:2 का पहले, तो आपको कितना मिल गया यहाँ पे, 1:2 का मिल गया है, ठीक है।
तो कभी कभी आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अगर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो तो आप यहाँ पे 1:3-4 तक भी जा सकते हो। मतलब पॉइंट्स अगर हम लोग बताएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाते हैं कम से कम 200 से 250 या 300 पॉइंट्स आपको इन द मनी वाले कॉल ऑप्शन में मिल जाते हैं। ठीक है, सपोर्ट 3 और सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 को समझिए। ठीक है, ये हमारे लिए हमेशा एज आप बोल सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करने वाले। ठीक है, तो काफ़ी बार आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे भी आता है। कहाँ तक आता है? सपोर्ट 3 या सपोर्ट 4 तक आता है। उसके बाद में अगर हमको ऐसा सिनेरियो मिलता है, कौन सा वाला, ये देखिए ऐसा ग्रीन कैंडल, ग्रीन ईएमए ऊपर है, उसके नीचे अगर रेड ईएमए है और यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तब हम लोग यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। तो इस दिन भी हमारा ट्रेड सेटअप जो है अच्छी तरीके से काम कर रहा है। थोड़ा और पीछे जाएंगे, हम लोग ऐसा सेटअप देखेंगे जहाँ पे आपको पुट साइड की ट्रेड मिलती है। जनरली मार्केट यहाँ पे काफ़ी ऊपर आया था तो आपको हमेशा यहाँ पे जो है कॉल साइड की ट्रेड मिली थी पिछले 7-8 दिन में। पुट साइड का भी हमें हम लोग यहाँ पे थोड़ा डेटा देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट जो है रेजिस्टेंस 3 से रिजेक्शन लेके आ रहा है। कहाँ तक आया? सपोर्ट 3 तक। ठीक है, अभी आप देख सकते हो सपोर्ट 3 तक आने के बाद जो ग्रीन एम है उसने क्लोजिंग नीचे दी है, उसके ऊपर है रेड एम है। ठीक है, मतलब हमें यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड लेना है। कौन से कैंडल पे आपको लेना है? रेड कैंडल पे। ये देखिए ये या ये, दोनों में से एक पे आप ले सकते हो। यहाँ पे सिमिलरली आपको क्या करना है, शॉर्ट पोजिशन बनानी है। रिसेंट जो स्विंग है वो आपका स्टॉप लॉस होने वाला है और आपको पहले लेना है 1:1 का टारगेट। तो यहाँ पे 1:1 का तो आसानी से हो गया है, 1:2 का भी हो गया है और मैक्सिमम आपको मिल गया यहाँ पे 1:3 का। पॉइंट वाइज देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं, लगभग 260 पॉइंट्स, मतलब 140 से 50 पॉइंट्स आपको एक लॉट में मिल जाते। मैं आपको एक ही लॉट में ये जो सेटअप करने वाला बोलूँगा क्योंकि इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं और हर दिन आपको सेटअप मिलेगा मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी कभी जो है यहाँ पे आपको सेटअप नहीं भी मिल सकते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए सपोर्ट 3 पे जो है सपोर्ट लिया है। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये देखिए लिया है तो आप इस ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लोगे। ठीक है, ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लोगे, लॉन्ग पोजीशन बनाओगे, रिसेंट जो स्विंग लो है या सपोर्ट 3 जो भी नज़दीक है आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दीजिए। 1:2 का टारगेट लीजिए, 1:2 हो गया, यहाँ पे कितना मिला आपको? 1:3 है। ठीक है, पहले आपको 1:2 लेना है, उसके बाद में आपको स्टॉप लॉस को ट्रेड लेना है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस 3 और सपोर्ट 3 ये अच्छी तरीके से जो हर दिन मार्केट में वर्क होते हैं। आपको ऐसा नहीं कि मार्केट ओपन होती है आपको ट्रेड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको काफ़ी बार जो है मार्केट में वेट करना पड़ता है और स्टॉप लॉस जो है हमेशा आपको मार्केट को जो है यहाँ पे सेट करना ही पड़ता है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमेशा आपको यहाँ पे जो है मार्केट को, मतलब देना या नहीं देना बात अलग है, लेकिन आपको रखना ही रखना है। आप मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करते हो? हमेशा प्रॉफिट। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे मार्केट से प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम लोग को लॉस मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो हमेशा अपना लॉस जो है वो भी कैलकुलेट करके रखिए। 50 पॉइंट का आपका जो लॉस है वही होने वाला है, तभी जाके आप जो अपने ट्रेड पे अपने सेटअप पे फोकस कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर आपको फिर भी कुछ डाउट होगा इस सेटअप में तो हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, मैंने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के यहाँ पे ट्राई किया। तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, रेजिस्टेंस 3 से यहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो है रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो काफ़ी लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो वहाँ पे ट्रेड करता ही करता है। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका रिस्क क्या है, मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक जा सकता है। लेकिन जो नए बिगिनर्स हैं उनको पता नहीं कि कब कहाँ ट्रेड करना है, तो ये जो सेटअप है वो नए ट्रेडर साथ में साथ एडवांस ट्रेडर भी कर सकते हो। तो देखिए मार्केट ओपन होते हुए रिजेक्शन लिया, सपोर्ट 3 के काफ़ी नज़दीक आया, सपोर्ट लिया और हमारा सेटअप यहाँ पे बन गया इस ग्रीन कैंडल पे। तो हम लोग यहाँ पे अगले रेड या अगले ग्रीन कैंडल पे ट्रेड लेंगे। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, रिसेंट सीन लो हमारा टारगेट यहाँ पे और यहाँ पे आपका जो टारगेट 1:1 का होने वाला है। ठीक है, पॉइंट्स देखिए, देखो कभी कभी आपको यहाँ से कितने पॉइंट्स मिल गए, लगभग 130 पॉइंट्स। तो 60-70-80 पॉइंट्स जो है ऐसे हम लोग कोई सेटअप में निकाल देते, तो ये सेटअप में आपको 60-70-80 पॉइंट मिल जाते हैं। उसके बाद में आप जो है अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते करते जो मैक्सिमम पॉइंट्स तक जा सकते हो। 100 पॉइंट्स आप जो है यहाँ पे हमेशा पहला इनिशियल आपका टारगेट रखिए, अगर वो कंप्लीट होता है तो आप निकल जाइए मार्केट से। पहले अपना कैपिटल बढ़ाइए, बाद में इस सेटअप को जो है एक दो लॉट के साथ, दो लॉट के साथ करने लगे, बाद में तीन लॉट बढ़ाइए, ऐसे ऐसे आप जो है अपना स्लोली स्लोली अपना लॉट बढ़ाइए। तो काफ़ी सिंपल सा सेटअप है, मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने का ट्राई किया। अगर आपको कुछ डाउट्स होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, फिर से हम लोग इस सेटअप पर जो है एक नया वीडियो बनाएंगे। अगर काफ़ी लोगों को समझ में आता है नहीं आता है प्लीज़ कमेंट तो कीजिए। ठीक है, कमेंट कीजिए, तभी जाके हमें पता चलेगा कि आपको समझा है या नहीं समझा है। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे विद अ न्यू स्ट्रेटजी, तब तक के लिए जय हिंद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.